नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चंस तो पहला क्वेश्चन है हाल ही में ओम प्रकाश मिथरवाल को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है ओम प्रकाश मिथारवाल का संबंध किस खेल से है ऑप्शन है भाला फेंक शूटिंग बैडमिंटन या क्रिकेट तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओम प्रकाश मिथारवाल का संबंध शूटिंग से है बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश के पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड से किसे सम्मानित किया ऑप्शन है राजकुमार वर्मा संदीप जोशी रमेश अरोड़ा या राजीव गर्ग तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रमेश अरोड़ा बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है राजस्थान में राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव का शुभारंभ किस जिले में किया गया ऑप्शन है जयपुर कोटा जोधपुर या अलवर तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ट्रांसजेंडर उत्सव का आयोजन अलवर जिले में किया गया बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है हाल ही में शुरू की गई मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना एवं मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना किस वर्ग के बच्चों के लिए है ऑप्शन है कक्षा एक से पांच तक के कक्षा एक से आठ तक के कक्षा एक से दस तक के या कक्षा पांच से सात पांच से आठ तक के तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कक्षा एक से आठ तक के बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा ऑप्शन है जोधपुर जयपुर बीकानेर या उदयपुर तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का आयोजन जोधपुर जिले में किया जाएगा बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस खेल को राजस्थान के स्कूली खेलों में शामिल किया गया है ऑप्शन है सतरंज तीरंदाजी घुड़सवारी या तलवारबाजी तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सतरंज बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है हाल ही में इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया ऑप्शन है जयपुर जोधपुर उदयपुर या अलवर तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंडिया स्टोन मार्च दो का आयोजन जयपुर जिले में किया गया बात करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 512 नई इंदिरा रसोईयों का शुभारंभ किया अब प्रदेश में रसोईयों की संख्या हो गई है ऑप्शन है नौ सौ चौंतीस आठ या 1100। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अब वर्तमान में 870 सौ हो गई है बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की क्रिकेट अकादमी किस शहर में स्थापित की जाएगी ऑप्शन है जयपुर बीकानेर जोधपुर या श्रीगंगानगर तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जोधपुर में बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति किस वर्ष जारी की गई ऑप्शन है 2010, 2019, 2022 या 2020 तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2020 में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति वो जारी की गई है दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये अभी एग्जाम में बहुत बार आने वाला है बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है राजस्थान सरकार ने मनरेगा मेट मजदूरी को दो रुपए से बढ़ाकर कर दिया है ऑप्शन है दो सौ सत्तर रुपये दो सौ साठ रुपये दो सौ पचास रुपये या दो सौ चालीस रुपये तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अब मेट की मजदूरी वो है दो सौ चालीस रुपए हो गई है यहाँ पर पांच रुपये इसको बढ़ा दिया गया है बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस स्थान पर पन्ना दहाई की प्रतिमा का अनावरण किया ऑप्शन है गोवर्धन सागर बड़ी तालाब डेब्रिजल या दो तलाई तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गोर्डन सागर के निकट ही पन्ना धाय की प्रतिमा का अनावरण किया है और गोर्डन सागर कहाँ पर स्थित है तो उदयपुर में स्थित है दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि, कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा राजस्थान स्टडी टाइम चैनल को क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही ज्यादा वीडियो बनाने में मोटिवेट करता है तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर राजस्थान निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया है ऑप्शन है प्रेम सिंह मेहरा उषा कुमारी मधुकर गुप्ता या मोहन सिंह तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मधुकर गुप्ता को राजस्थान निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है राजस्थान डेजी फेस्ट दो का आयोजन कहाँ किया गया ऑप्शन है जयपुर जोधपुर बिकानेर या अजमेर तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान डेजी फेस्ट दो का आयोजन जयपुर में किया गया बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है अगस्त 2022 में पिनाका मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया ऑप्शन है महाजन फील्ड बिकानेर या फिर जैसलमेर चूरू या बाड़मेर तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर में पिनाका मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है वर्तमान में राजविका की ब्रांड एम्बेसडर कौन है ऑप्शन है बानो बेगम रोमा देवी मोहनी देवी या मित्तलीराज तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजविका की वर्तमान में ब्रांड ब्रांडमिस्टर रूमा देवी है बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है MSME, एम एस एम ई यानी कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस कब मनाया गया ऑप्शन है सत्रह सितंबर दस सितंबर सत्ताईस सितंबर या एक सितंबर तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एम दिवस 17 सितंबर को मनाया गया बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है हाल ही में हाई कोर्ट ने राज्य के किस पर्सी झील को संरक्षित घोषित कर दिया ऑप्शन है पिछोला झील नक्की झील सांबर झील या कायलाना झील तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आ, हाई कोर्ट ने राज्य की पिछोला झील को वर्तमान में अभी संरक्षित घोषित किया है बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है वन विभाग राजस्थान द्वारा किस अभ्यारण में सीड बॉल से हरियाली फैलाई जाएगी ऑप्शन है सरीस का अभ्यारण अलवर रणथंबोर अभ्यारण स्वाईमाधोपुर ताल छापर अभ्यारण चूरू या शेरगढ़ अभ्यारण बारह तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शेरगढ़ अभ्यारण्य बारह बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है बांसवाड़ा जिले को सीमेंट हब बनाने के लिए खनिज विभाग द्वारा किस खनिज का खनन किया जाएगा ऑप्शन है यूरेनियम लाइमस्टोन, जिप्सम या तांबा तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लाइमस्टोन का खनन किया जाएगा बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है राजस्थान की किस महिला का चयन हाल ही में वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर हुआ है ऑप्शन है राजश्री अभिलाषा ब्राक कृतिका कुलहरी या स्वाति राठौड़ होगा तो ऑप्शन नंबर सी कृतिका कुलहरी का चयन प्लाइंग ऑफिसर के रूप में हुआ है बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है जूनियर नेशनल ओपन शतरंज प्रतियोगिता में राजस्थान के किस खिलाड़ियों ने स्वर्ण एवं रजत पदक जीते हैं ऑप्शन है वर्षांग चौहान अरुण कटारिया आयुष जैन या ए बी दोनों तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए व बी दोनों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा ग्यारह सौ तीस वर्ष से भी पुराना गंगेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है ऑप्शन है जोधपुर राजसमंद पाली या चित्तौड़गढ़ तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गंगेश्वर महादेव मंदिर चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 की केंद्र सरकार सूची में राजस्थान के कितने शिक्षण संस्थान टॉप 100 की ओवरऑल कैटेगरी में शामिल है ऑप्शन है चार पाँच छ या सात तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चार संस्थान वो टॉप के की ओवरऑल रैंकिंग में शामिल है बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस संस्थान ने कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह मेमरिस्ट व क्वांटम डॉट तकनीकी को विकसित किया है ऑप्शन है आईआईटी जोधपुर आईआईटी रुड़की सीएसआईआर पुणे या उपयुक्त सभी तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है हाल ही में राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण ने किस नए ऐप को लॉन्च किया है ऑप्शन ए आर एस एल एस ए ट्वेंटी टू डिजिटल लोक अदालत ऑप्शन बी है न्याय साथी ऐप ऑप्शन सी है बाल स्वराज ऐप और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, यानी कि ये तीनों ऐप ही राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा लॉन्च किए गए हैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है हाल ही में देश के विद्य सेवा प्राधिकरणों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया ऑप्शन है उदयपुर जोधपुर जयपुर या कोटा तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जयपुर में विद्युक सेवा प्राधिकरणों का राष्ट्रीय सम्मेलन जयपुर में आयोजित किया गया बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है हाल ही में मुख्यमंत्री ने किसानों को बंजर भूमि पर सौर संयंत्र स्थापित करने हेतु किस योजना को मंजूरी प्रदान की है ऑप्शन है प्रयास योजना सोलर रूप टूप योजना कुसुम योजना या कृषि आजीविका योजना तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कृषि आजीविका योजना तो दोस्तों यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिस भी भाई बहन ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करे क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमें मोटिवेशन करता है नए नए वीडियो बनाने के लिए तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है यूनिसेफ के सहयोग से आयोजित कार्यशाला में राज्य के किस विभाग द्वारा योजनाओं के ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किया गया है ऑप्शन ए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ऑप्शन बी महिला अधिकारिता विभाग ऑप्शन सी महिला एवं बाल विकास विभाग ऑप्शन डी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राजस्थान हाईकोर्ट ने अगले मुख्य न्यायाधीश किसे बनाने की कि सिफारिश की है ऑप्शन है पंकज मित्तल मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव उदय उमेश ललित या गोपाल कृष्ण व्यास तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पंकज मित्तल बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री ने राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत कितने अतिरिक्त बजट को मंजूरी प्रदान की है ऑप्शन है एक हजार पैंतालीस करोड़ रुपए, सात सौ करोड़ रुपए, छह सौ पचास करोड़ रुपए या 500 सौ करोड़ रुपए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 500 सौ करोड़ रुपए की अतिरिक्त तो वो बजट को मंजूरी प्रदान की है बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है अड़सठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में जोधपुर के मुकेश शर्मा को किस फिल्म को गैर फीचर श्रेणी में बेस्ट एडवेंचर फिल्म हेतु तो पुरस्कृत किया गया है ऑप्शन ए ताना तानाजी द अनसंग वारियर ऑप्शन बी है पोटू ऑप्शन सी ए विलिंग द बॉल ऑप्शन डी है अभिजात्रिक तो इसका सयांसर होगा ऑप्शन नंबर सी विलिंग द बॉल बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है वर्ष 2022 के लिए के के बिरला फाउंडेशन का बत्तीसवा बिहारी पुरस्कार किसे दिया जाएगा ऑप्शन है मधु माधव हाड़ा या विश्व मित्र दादीच या आशीष पुरोहित तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माधव हाड़ा को बत्तीसवा बिहारी पुरस्कार प्रदान किया जाएगा बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यटन दिवस पर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने राजस्थान के किस स्मारक को स्वच्छता एवं बेहतर प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया है ऑप्शन ए है हवा महल जयपुर ऑप्शन बी है उमेद पैलेस जोधपुर ऑप्शन सी है सिटी पैलेस उदयपुर या ऑप्शन डी है आमेर फोर्ट जयपुर तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हवा महल जयपुर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है हाल ही में राजस्थान में राज्यपाल ने किस नए विभाग को मंजूरी प्रदान की है किस नए विभाग को मंजूरी प्रदान की है ऑप्शन ए राज्य सहकारिता विभाग शांति एवं अहिंसा विभाग ऑप्शन सी है सामाजिक सद्भावना विभाग या ऑप्शन डी है कला एवं संस्कृति विभाग तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शांति एवं अहिंसा विभाग को राज्यपाल ने नए विभाग के रूप में मंजूरी दी है बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत पशुधन बीमा योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया ऑप्शन है सिलोरगाँव बूंदी पालगांव जोधपुर गांव जयपुर या कोलुमंड गाँव जोधपुर तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दानक्यागा गाँव जयपुर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है राज्य स्तरीय समारोह में देश में कितने शख्त को गांधी सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ऑप्शन तीन चार पाँच या दो तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पांच व्यक्तियों को गांधी सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान के किस गांव को राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है ऑप्शन है जवानपुरा जयपुर दनोरा गांव धौलपुर खेरोना गांव बूंदी या दोसा। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी खेरोना गांव बूंदी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य के कितने विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किए हैं ऑप्शन नौ ग्यारह सात या आठ तो इसका सयांसर होगा ऑप्शन नंबर डी आठ नए कुलपतियों की नियुक्ति की गई है बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है राजस्थान का पहला संत संग्रहालय कहाँ पर शुरू किया गया है ऑप्शन सूरपुरा जोधपुर जाडन पाली समोर बाग उदयपुर या जवानपुरा जयपुर तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी समोर बाग उदयपुर में राजस्थान का पहला संत संग्रहालय शुरू किया गया है बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 रैंकिंग लिस्ट में जयपुर हेरिटेज निगम ऑल ओवर इंडिया में कौन से स्थान पर रहा है ऑप्शन छब्बीसवे बाईसवें बीसवे या तेईसवे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए छब्बीसवें स्थान पर जयपुर हेरिटेज निगम लिमिटेड निगम यहाँ पर छब्बीसवें स्थान पर रहा है बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड हॉकी गोलकीपर ऑफ द ईयर दो हजार इक्कीस बाईस किसे चुना गया है ऑप्शन है पी आर श्रीजेश सविता पूनिया रानी रामपाल या एवी दोनों तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी पी आर श्रीजेश और सविता पुनिया दोनों को ही गोलकीपर ऑफ द ईयर 2021-22 चुना गया है बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है छत्तीसवें नेशनल गेम्स में राजस्थान महिला सिक्वेस टीम ने पहली बार कौन सा पदक जीता है ऑप्शन स्वर्ण काश्य, रजत या उपयुक्त में से कोई नहीं तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कांस्य पदक जीतता है बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है राजस्थान संस्कृति से जुड़ा दो दिवसीय अंजस महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा ऑप्शन है 21 व 22 अक्टूबर 2022। ऑप्शन बी है 15 व 16 अक्टूबर 2022। ऑप्शन सी है 1 व 2 नवंबर 2022। ऑप्शन डी है उन्तीस व 30 अक्टूबर 2022। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उन्तीस व 30 अक्टूबर 2022 को राजस्थान में अंजस महोत्सव का आयोजन किया गया बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है लोकायन संस्थान और राजस्थान पुलिस द्वारा राजस्थान कबीर योजना के छठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है ऑप्शन है उदयपुर जैसलमेर जयपुर या जोधपुर तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए छठे संस्करण का आयोजन उदयपुर जिले में किया जा रहा है बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग द्वारा डायरिया एवं कुपोषण के खिलाफ सशक्त दस्त नियंत्रण अभियान कब चलाया जाएगा ऑप्शन ए 11 से 25 अक्टूबर 2022, ऑप्शन बी है सात से इक्कीस अक्टूबर 2022 ऑप्शन सी है सोलह से 30 अक्टूबर 2022 या ऑप्शन डी है नौ से तेईस अक्टूबर 2022 तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सात से इक्कीस अक्टूबर 2022 को यह अभियान चलाया जाएगा तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और हम भी इस आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेशन हो सके तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद